फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। श्रीदेवी की लाडली जाह्नवी कपूर आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। वहीं अब जाह्नवी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे जानकर उनके फैंस भी झूम उठेंगे। खबरें आ रही हैं कि जाह्नवी कपूर ने मुंबई के जुहू में खुद का घर खरीद लिया है। 3 मंजिला इस घर की कीमत भी करोड़ों में है, जिसकी वजह से वो चर्चा में है। जाह्नवी ने यूं तो अब तक सिर्फ 2 ही फिल्में की हैं, लेकिन जो घर जाह्नवी ने खरीदा है उसकी कीमत 39 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 7 दिसंबर को जाह्नवी ने ये डील फाइनल की थी। ये घर 3456 स्क्वायर फीट का है और जाह्नवी ने इसके लिए 78 लाख स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया है। खबरों की माने तो इस घर में 6 गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह है। अपने अब तक के छोटे से करियर में जाह्नवी अपने काम से लोगों का दिल जीत चुकी है। 23 साल की जाह्नवी ने साल 2018 में फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में उनके साथ ईशान खट्टर थे। जाह्नवी की डेब्यू फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म के बाद वो नेटफ्लिक्स की फिल्म घोस्ट स्टोरीज में नजर आई। इस फिल्म में भी जाह्नवी का काम काफी पसंद किया गया था। वहीं पिछले साल उनकी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल रिलीज हुई थी। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था। ये फिल्म पहले थिएटर्स में ही रिलीज होती, लेकिन कोरोना के चलते इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था। ये फिल्म पहले थिएटर्स में ही रिलीज होती लेकिन कोरोना के चलते उनकी इस फिल्म को OTT पर रिलीज किया गया था। जाह्नवी की ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लग गया था। वहीं जाह्नवी की आने वाली फिल्मों की बात करें तो जल्द ही उनकी फिल्म रूई अफजाना रिलीज होने वाली है, जिसमें वो राजकुमार राव के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म के अलावा वो कार्तिक आर्यन के साथ दोस्ताना 2 में भी नजर आएंगी। वहीं वो करण जौहर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म तख्त में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में जाह्नवी के साथ आलिया भट्ट, करीना, विकी कौशल और रणवीर सिंह जैसे स्टार्स भी दिखाई देंगे। बता दें, जाह्नवी फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करती है। बताते चले कि जाह्नवी कपूर के अलावा हाल ही में आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन ने भी अपना घर खरीदा है। आलिया ने रणबीर कपूर के अपार्टमेंट के पास ही घर खरीदा है, तो वहीं ऋतिक रोशन की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पेंट हाउस उन्होंने जुहू में खरीदा है उसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। वैसे जाह्नवी कपूर से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।